मैथ्स दे स्टूडेंट बीएससी नॉन मेडिकल या मैथ दे नाल रिलेटेड कोई भी अजिही स्ट्रीम जिहदे तुसीं बीएड करना चाहुंदे हो, बेशक वो बीएससी है जां बीए है, विद मैथ्स है, इकनोमिक्स है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, उन्हां लई जाण लैणा जरूरी है कि किन्नियां पोस्टां पिछले वरियां विच निकलियां। 2022 पंजाब गवर्नमेंट ने लैक्चरर पीजीटी फ्रैश टोटल 68 पोस्ट कढ़िया ने, उहदी कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन तुसी देख सकते हो, खुद नोट करके डिस्करेज जां एनकरेज अपने आप नूं करना है कर सकते हो। हाँ, रियलिस्टिक सोचना हुंदा है, उस तरह सोच के असी प्लानिंग करनी हुंदी है। ये डिवीजन है, ये वूमेन लई जिहड़ियां 33% रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन हॉरीजेंटल हुंदी है। हॉरीजेंटल का मतलब हुंदा है कि जे अपने आप 22 लड़कियां इन कैटेगरी आ जांदियां हन तां फिर अग्गों उन्होंने नहीं रखा जाएगा। जेकर 22 तो घट सिलेक्ट होंदियां हन तां इह वाला कोटा जिहड़ियां इह सीट है वह 22 पूरियां कीतियां जांदियां हन अगली कुड़ी नूं दे के। सो ये रिजर्वेशन है। हुण देखते हाँ कि इहदी एलीजिबिलिटी की है, जिहड़ा मैथेमैटिक्स की, इकनोमिक्स ते कॉमर्स की असीं पिछे देख आए हाँ, मैथ्स की एलीजिबिलिटी है क्योंकि मैथ्स मेजर सबजैक्ट है और कॉमन सबजैक्ट है, स्कूल सबजैक्ट है। मैथ्स शुड हैव पास्ड एम ए विद मैथेमैटिक्स नंबर एक, एम एस सी मैथेमैटिक्स और एनी अदर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, बट इक्वलेंसी सर्टिफिकेट शुड हैव गिवन बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एट लीस्ट विद 55% मार्क्स। इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मान लो मैथ की कोई डिग्री जी रिकगनाइज की जाती है यूनिवर्सिटी गाइडलाइनस मुताबिक कि हाँ जी ये एम एस सी एम ए के बराबर है, तो फिर भी वो भी एलीजिबल ने, अजिहे केस घट ने। 55% मार्क्स अलोंग विद मैथेमैटिक्स एज वन ऑफ द इलैक्टिव सबजैक्ट, ये ज़्यादा जरूरी है। जेकर तुसी बी टैक करके जां अजिहा कोई होर कोर्स कीता होया है जिस दे आधार ते तुसी एक साल मैथ पढ़िया सी ते बी एड विच तुहानू माइनर सबजैक्ट या मेजर सबजैक्ट कोई भी मैथ मिल गया सी, ओके, वैसे मेजर ही मिलता है, ते तुहाडी ओ क्वालिफिकेशन नैचुरली बी टैक दा खास तौर ते मेरे ख्याल अजिहा केस बनता है, तो फिर वो तुसी गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल नहीं बनते। इट मीनस तुहानू इलैक्टिव सबजैक्ट पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही स्टूडेंट्स का केस है, बी कॉम की हुई है लेकिन ट्यूशन हमेशा ही मैथ की दिती हुई है, उन्होंने यही सुजैसट किया है कि वो जेडे मैथ्स का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो दे रहे हैं, बी एड कर रहे हैं, तो वह मैथ्स का 3 साल का इलैक्टिव सबजैक्ट के पेपर देने ने, 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, सो वो तुम्हें देना पड़ेगा एज एन इलैक्टिव सबजैक्ट। जे तुसी किसी का पार्ट पढ़िया है तो तुसी गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल नहीं हो। ये नहीं है कि नहीं हो सकते, क्योंकि मैथ का एडिशनल सबजैक्ट लै रहा लेंदे ने, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लै रही है, पंजाब भी लै रही है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जेकर प्रैक्टिकल नहीं है तो वह भी लै रही है। अच्छा, ग्रेजुएशन लैवल एंड शुड हैव पास्ड बी एड विद टीचिंग ऑफ मैथेमैटिक्स। सो टीचिंग ऑफ मैथेमैटिक्स प्योर है, इसका किसी ना दूसरा सीधा संबंध नहीं है जिसका साइंस का इंटीग्रेटेड है या सोशल साइंस का है, सो ये क्लीयरली है, ये पास होना चाहिए है फ्रॉम ए रिकगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज पर गाइडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो इस दे मुताबक तुसी अपने सब्जेक्ट नो चूज करने की प्लैनिंग कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। फरदर मैथ्स दियाँ TGT दियाँ जे नहीं याद रहा तो याद करा सकते हो, पिछलियाँ पोस्टा कि निकलियां सी एलीजिबिल की सी उस दे बारे विवरण नेक्स्ट वीडियो च दे देवगा, नीचे लिंक होएगा, देख सकते हो। थैंक यू।